डेढ़ साल बाद मंच पर साथ होंगे अमित शाह नीतीश कुमार। पटना में पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, ममता हेमंत नवीन पटनायक नहीं होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आज पटना में होगी। इस बैठक में सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शामिल होंगे। इस बैठक में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के सीएम को शामिल होना था, लेकिन इन राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी जगह दो दो मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर आएंगे। राज्यों के मुख्य सचिव भी पहुंच रहे हैं। करीब डेढ़ साल बाद ऐसा मौका होगा जब सीएम नीतीश और अमित शाह एक मंच पर होंगे, आमने सामने होंगे, एक साथ होंगे। सीएम नीतीश पिछले साल 9 अगस्त को एनडीए से अलग हुए थे। इसके बाद से कभी भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हुई। हालांकि 2 महीने पहले दिल्ली में G20 की डिनर पार्टी में मुख्यमंत्री की मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक बुलाई गई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। बिहार में परिषद की अब बैठक 5वीं बार हो रही है। बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक 1958 में हुई थी, जिसके बाद बिहार को होस्ट करने का मौका 1963, 1985 और 2015 में मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे पटना पहुंच जाएंगे। मीटिंग 3 बजे शुरू होनी है, जो शाम 5:30 पर चलेगी। इसके बाद गृह मंत्री सेना के स्पेशल विमान से शाम 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक बुलाई गई है। बिहार में परिषद की अब 5वीं बार बैठक हो रही है। आपको बता दें, बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो पहली बैठक थी 1958 में हुई थी, और इसके बाद बिहार को होस्ट करने का मौका मिला 1963, 1985 और 2015 में मिला था। इस अहम बैठक को लेकर बिहार सरकार भी तैयारियों में लगातार जुट गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। जेल आईजी को नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना।